दोस्तों, मैं आपको हैंडसेट के बारे में कुछ समझाता हूँ। उसके कुछ फ्यूचर हैं, जैसे कि आपको नहीं मालूम हो सकते हैं कुछ फंक्शन। दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक्स भी करें। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये रिमोट है और इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसके कुछ फ्यूचर हैं ऐसे जो आपको कुछ नहीं मालूम है और कुछ आपको मालूम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फंक्शन। ये मेरा लाइट्स है, ठीक है, मैं इसकी लाइट जला लेता हूँ आपको बताने के लिए। मैं आपको शुरू से बताऊँगा इसके बारे में सारा कुछ। ये थोड़ा मैंने इसको ऐसे ही कर रहा था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ शुरू से। ये मूड चेंज कर रहा हूँ मैं, शुरू से अपने मूड ला रहा हूँ जो हमारे मूड होते हैं स्टार्टिंग से। ये ऑटो मूड है दोस्तों, ये ऑटो मूड है। ये 25 टेम्परेचर रहेगा, नहीं कम होगा, नहीं कम बढ़ती होएगा, नहीं फ़ैन की स्पीड कम होएगी। अगला मूड है हमारा कूल मूड। दोस्तों, ये मूड है कूल मूड, इसमें हम टेम्परेचर भी कम बढ़ती कर सकते हैं और फ़ैन की स्पीड भी कम बढ़ती कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बैक लाइट जलानी, ये सब बुझ जाता था। ये ड्राई मूड, दोस्तों हम टेम्परेचर कम बढ़ती कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड नहीं कम बढ़ती कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये फ़ैन मूड, ये सिर्फ खाली फ़ैन फ़ैन चलेगा, हमारा कंप्रेसर इसमें नहीं चलता। ये पावर सुपर मूड होता है हमारा, इसमें टेम्परेचर कम बढ़ती कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड भी कम बढ़ती कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना आप चाहें टेम्परेचर कर सकते हैं। ये कैबिन मूड होता है, ये इस मूड में काम नहीं करेगा, पावर सुपर मूड में कैबिन मूड काम नहीं करता। ठीक है, मैं अब कूल मूड सेट करता हूँ उसका, उसी में काम करेगा। ये मैंने कूल मूड सेट कर दिया, ये कैबिन दबा दिया, ये दो बार मैंने कैबिन दबाया, हर एक घंटे के बाद ये टेम्परेचर बढ़ा देता है। जैसे मैंने 20 करा, ये इस समय 21 है तो 21 करूँगा, तो एक घंटे के बाद ये 22 हो जाएगा। एक बार दबाऊँगा तो चार बार दबाऊँगा ये 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टाइमर है, टाइमर लगाने के लिए पहले हमें टाइम सेट करना होता है। ठीक है दोस्तों, पहले टाइम सेट करता हूँ मैं आपका अपना। ये टाइम मैंने ऑफ टाइम का स्विच दबाया, एक मिनट ये दबाया, ये ब्लिंकिंग करने लगा टाइम। ये टाइम अप डाउन करेंगे तो ये सेट हो जाता है, तो ये सेट कर लिया मैंने अप डाउन। अपने जहाँ टेम्परेचर कम बढ़ते करते हैं वहाँ से अप डाउन कर लेते हैं। ये टाइमर है, ये ऑफ का टाइमर है, इसे सेट करने के लिए हम सेट का बटन दबाएंगे और टाइम अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं, हम जितना टाइम अप डाउन करना चाहें इतना टाइम अप डाउन कर सकते हैं। ये ऑन का है, किस समय हमें ऑन करना है एसी, किस समय ऑफ़ करना है, ये सारा यहाँ से टाइमर से आप सेट कर सकते हैं। और इसको कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका है, और जो समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स करना। दोस्तों, ये स्विंग है हमारा, स्विंग का ऑप्शन होता है, इसको आप जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। ये फ़िल्टर होता है, रेड लाइट जल जाती है तो इससे फ़िल्टर साफ़ करके इसको लगा दो चली जाती है। ये छोटा सा एक बटन दिखाया था मैंने आपको, ये जो है रीसेट करने का ऑप्शन है। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें और एंड शेयर भी करें, लाइक्स भी करें दोस्तों। थैंक्स।